कर दी भाई स्टार्ट। हाँ जी तो गाइस अब कर रहे हैं हम लैब्रा के गोलू मोलू बच्चों की वैक्सीन। सागर भाई को पहले भी आपने मेरे वीडियो में देखा था, जो बड़े अच्छा लैब्राडोर को ब्रीड करते हैं, तो इनकी ब्रीडिंग देखो कितने बढ़िया बच्चे हैं इनके। अब गाइस थोड़ा सा ना ट्रेंड चेंज हो चुका है। पहले ब्रीडर लोग क्या करते थे कि वो घर पे ही वैक्सीन करते थे, केमिस्ट से जाके लेके आते थे वैक्सीन और घर पे जाके कर देते थे अपने डॉग की। अब जो भी लीडिंग ब्रीडर है, जो थोड़ा समझदार ब्रीडर है, वो इन चीज़ों से ऊपर उठ चुका है कि भाई घर पे वैक्सीन करने के चक्करों में ना सारे बच्चों में पार्वो हो जाता है। तो जब आप फीड के लिए इतना खर्च कर रहे हो, रॉयल क्रेन इतना महंगा ले रहे हो, जब सारा कुछ कुत्ते के लिए आपने एसी लगवा रखा है, सब कुछ कर रखा है, तो वैक्सीनेशन में क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करते हो भाई? वैक्सीन हमेशा स्टैंडर्ड की जगह से करवानी चाहिए, खुद डॉक्टर ही नहीं झाड़नी चाहिए। दूसरा, मैं कई बार देखता हूँ कि ब्रीडर लोग क्या करते हैं कि कुत्ता बेचते हैं तो क्लाइंट को कहने लग जाते हैं कि भाई मेरे से ही वैक्सीन करवा के जाओ। वो सबसे गंदा काम होता है। अगर आपका बच्चा आपके पास से चला गया और जाके कहीं और से वैक्सीन कराता है तो जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। जब आपका बच्चा आपसे वैक्सीन करवा के गया हुआ है और आगे आप वैक्सीन के लिए बुलाते रहे, बाई चांस उसमें पार्वो डिस्टेंपर हो गया, तो वो आपके सिर हो जाता है। तो इसलिए कभी भी वैक्सीन खुद नहीं करनी चाहिए, अच्छी स्टैंडर्ड की जगह से वैक्सीन कराओ ताकि आपके पति सेफ रहें। इन चीज़ों से ऊपर उठ जाओ कि डॉक्टर क्या कमा रहा है या केमिस्ट से हम करवाते हैं तो कितना पैसे बच जाते, पैसे बचाने के चक्कर में मत रहा करो। अभी रिसेंटली यार इतने प्यारे बच्चे थे भाई, जो चाइनीज लैब्राडोर के बच्चे थे, 2-2 लाख रुपए का बच्चा बेचा है उसने और उस वैक्सीन खुद कर दी सारों की, पूरी वैक्सीन करा करू के बैठा, फिर पार्वो हो गया उन बच्चों के अंदर। यहाँ पर रूम लेके रहा वो लड़का, क्योंकि बच्चे थे 2-2 लाख रुपए के, कह रहा मरना नहीं चाहिए कोई बच्चा, तो पार्वो आ गया उनके अंदर। 6 दिन यहाँ पे कुरुक्षेत्र में रूम लेके रहा है वो ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो अगर वो वैक्सीन के लिए आ जाता यहाँ पर तो इस टाइप की नौबत ही नहीं आनी थी। तो भाई जब भी जो भी वीडियो देख रहे हैं, सबसे यही मेरी रिक्वेस्ट लगा लो, सलाह लगा लो, कुछ भी लगा लो, वैक्सीन हमेशा स्टैंडर्ड की जगह से कराओ, जहाँ पर कंपनी से आती है, कोल्ड चेन मेंटेन होती है। डॉक्टर थोड़ा बहुत कमा लेगा तो कोई बात नहीं यार, फीड वाले जब कमा रहे हैं सब कुछ कमा रहे हैं, तो इन चीज़ों से ऊपर उठ के अपना स्टैंडर्ड से वैक्सीन कराओ। तो सागर भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वैसे तो इनके बच्चे प्री बुक्ड रहते हैं, जो लीटर होने से पहले ही बच्चे बिक जाते हैं, पर आप थोड़ा सा अपना बुक करवा सकते हो पपीज। इनकी ब्रीडिंग बहुत ही अच्छी है, सब बढ़िया बढ़िया लाइन उन्होंने अपने पास कलेक्ट करके रख रखी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।